सूर्य उपासना का महापर्व डाला छठ जयपुर में त्यागी व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया का गुणगान कर रहे हैं। गलता तीर्थ समेत कई जगहों पर मेले से माहौल रहा। गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य के सानिध्य में आयोजन हुआ। यहां शाम को गंगा आरती हुई। इसके बाद बिहार समाज बंधु और उत्तरांचल के लोग अस्तांचल गामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। इस बार मुख्य आयोजन शास्त्री नगर स्थित स्वर्ण जयंती गार्डन के पीछे किशनबाग में हो रहा है। गलता तीर्थ किशनबाग सहित कई जगहों पर लोग डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित उन्होंने किया। समाज बंधु बांस की टोकरी और सूप में प्रसाद स्वरूप ठेकुआ गन्ना गागर नाशपाती सेव केला हल्दी अदरक मूली नारियल पान सुपारी मिठाई रखकर सूर्य भगवान को पहला अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद जगह जगह रात्रि जागरण के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस बीच छठ मैया के गीत भी गूंज रहे हैं। महोत्सव के चौथे दिन सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाएगा। बिहार समाज संगठन के महासचिव सुरेश पंडित ने बताया कि शाम को अस्तांचल गामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आज दिन भर गलता तीर्थ ही श्रद्धालु गलता जी में डेरा डाले रहे। गलता तीर्थ में स्वामी अवधेशाचार्य के सानिध्य में गंगा महाआरती हुई। तीर्थ में समाजजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई। आपको बता दें कि युवाचार्य स्वामी राघवेंद्र ने बताया कि व्रत करने वाले लोग अपने परिवारजनों के साथ गलता जी पहुंच गए थे। शाम को गलता कुंड में खड़े होकर अस्तांचल गामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया गया। अगले दिन सोमवार को सुबह उगते ही सूर्य को दूसरा अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही व्रत का पारायण होगा। उन्होंने बताया कि गलता तीर्थ में डाला छठ को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। साफ सफाई के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज कार्तिक माह की छठ है और प्रातः से ही श्रद्धालुओं का आवागमन श्री गलता जी में बना हुआ है। लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, तत्पश्चात भगवान के दर्शन कर रहे हैं, आचार्य जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, दान पुण्य आदि कर रहे हैं। इसी क्रम में जो ये कार्तिक छठ है, यह है पूर्वांचल और बिहार तरफ इसको डाला छठ के रूप में मनाते हैं और बहुत ही बड़ा आस्था का पर्व होता है। जो राजस्थान में जो प्रवासी बिहार के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, वह यहाँ श्री गलता जी में आते हैं और यहाँ स्नान करते हैं। इसी क्रम में जो ये चार दिवसीय महापर्व जो डाला छठ का होता है, उसमें पहले दिन तो नहाया खाया से शुरू होता है, फिर ये खरना करते हैं। इसके पश्चात तीसरे दिन यहाँ छठ के दिन यहाँ गलता जी में आते हैं। शाम को यहाँ पर जो डूबता सूर्य है उसको अर्घ्य देते हैं। पूरी रात यहाँ श्री गलता जी में रहते हैं। प्रातः उठकर सुबह सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, फिर अपने गंतव्यों पर प्रस्थान करते हैं और वहाँ जाकर अपने व्रतों का पारण करते हैं।